अपनी लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिला इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को तहसील परिसर में काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लेखपाल संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि उनकी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उपनिरीक्षण सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट में पारित करने, लैपटॉप स्मार्टफोन वितरण सहित आधारभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठ दुबे ने बताया। हमारी पुरानी मांगें सब लंबित हैं। पिछले सत्र में 2016 में जब हम लोग आंदोलन किए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी, समझौता हुआ था, सरकार चली गई, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। वर्तमान सरकार से हमारे प्रदेश प्रतिनिधि को वार्ता हुआ, उन्होंने 2 महीने में आश्वासन दिया था, साल भर बीत गया, 1.5 साल बीत गया, अब तक कोई मांग पत्र पूरा नहीं हुआ। शासन और परिषद के बीच में हमारी मांगें फंसी हुई है, जब तक वह पूरा नहीं होगा हम सरकार को अभी चेताने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। इस पर भी अगर नहीं होगा तो आगामी 3 तारीख से हम कलम बंद हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेंगे। यह प्रदेश नेतृत्व का घोषणा है, उसका पालन किया जाएगा।